बताकर, झूठ बातें बताकर लाल रंग का टांग देगा। चिन्मयानंद स्वामी के खिलाफ कुछ होगा, सब साइलेंस में चले जाएंगे। आजम खान के यहां बकरी पे भी केस होगा, घंटों घंटों बहस होने लगेगी। तो वो आपको हमेशा एक अपने पड़ोस के मुसलमान को वो हमेशा दुश्मन के रूप में देखना सिखा रहा है, मैं साफ साफ कहता हूं। और इसको आप नोट कर लीजिए, और ये बात मैं लड़कियों से कहना चाहता हूं कि भाई देख लेना, जो लड़का किसी समाज से नफरत करता हो वो ना अच्छा पति बन सकता है, ना प्रेमी बन सकता है, ना भाई बन सकता है। देख लेना, ऐसे किसी लड़की से आईटी सेल वाले से शादी मत कर लेना भाई, बता रहा हूं ध्यान से। पता चला कि दहेज तो नहीं देना चाहिए, मां बाप ने चोरी छुपे कुछ पैसा दिया, लाखों रुपए भी गए और मिल गया वो नफरत करने वाला, तो वो प्रेमी नहीं हो सकता है। मोहब्बत बहुत जरूरी है दोस्त, मिट्टी से भी और इंसान से भी। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान से मोहब्बत ना करो और कहो कि हम मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। हम मिट्टी से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि उस मिट्टी में बसने वाले इंसानों से भी मोहब्बत करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आज इंदौर में बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी हैं विक्की मित्तल, फेसबुक पे उन्होंने क्या लिखा कि गोडसे जी की पिस्तौल की नीलामी करवा दीजिए, पता चल जाएगा देशभक्त थे कि आतंकवादी थे। हम यहां पर आ गए, गांधी को मारने वाले के लिए ताली बजा के आप हिंदुस्तान नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हो आप। जिस देश में गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहा जा रहा है, तो गांधी क्या आतंकवादी थे? अब हम यहां पर आ गए हैं, क्या हम आपने उनको वोट दिया तो इसकी सजा इतनी दी जाएगी आपको कि आपको मूर्खों के झुंड में बदल दिया जाएगा? कि एक वोट देने के बदले आप कितना प्यार करते हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन उसके बदले में आपको उस झुंड में बदला जा रहा है कि आप गांधी के हत्यारे को गोडसे जी कहें। थोड़ा सावधान रहिए, हो क्या रहा है इस देश में? और वो फेसबुक पे लिख रहे हैं, ये कभी हुआ था? कभी नहीं हुआ था, क्योंकि ये पॉलिटिक्स, आईटी सेल और मीडिया ये मान के चलता है कि आपने अपनी बुद्धि स्थगित कर दी, आप में बुद्धि नहीं है। मैं नहीं मानता, मैं उनके वोटर को बहुत सम्मान से जानता हूं, मुझे मालूम है कि वो एक अलग तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन उनसे वो चूंकि उनको वोट देते हैं उनसे बदला नहीं लिया जाना चाहिए। उनको सजा किस बात की दी जा रही है कि उनसे ये कहा जा रहा है, अब चूंकि तुम उनको वोट देते हो, तुम अब मुसलमानों से नफरत करने लगे हो, तो चलो अब गोडसे को भी गोडसे जी बोलो, फिर मालूम नहीं अगली बार अब आपसे क्या कराएंगे। आपके हाथ में बम दे देंगे, कहेंगे जाके फट जाओ कहीं पे, तुम नौकरी मत मांगो। ये मत कीजिएगा, ये मत कीजिएगा। ये शर्म की बात है कि हमारे देश में गांधी की हत्या हुई, और ये उससे भी ज्यादा शर्म की बात है कि एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता फेसबुक पे लिख रहा है गोडसे जी कि पिस्तौल नीलामी कीजिए तो खरीदने वाले लोग आ जाएंगे और उसके 2 करोड़ दे के साबित हो जाएगा देशभक्त है। गांधी की लाठी की कोई कीमत नहीं है दोस्तों, कोई कीमत नहीं है उनकी लाठी की, उस लाठी को उन्होंने कभी किसी पे नहीं चलाई, तो ये मत होने देना। हालांकि अब देर हो चुकी है, अब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है नहीं, फिर भी बता रहा हूं कि आपको एक रोबोट में बदल दिया गया है, गलत गलत सूचनाओं से भर के। अब आपसे सिर्फ 2 ही काम लिए जाएंगे, समुदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे आपको एक झुंड में बदला जाएगा कि आप जाओ उसको मार आओ पहलू खान को, या फिर आप सुबोध कुमार सिंह को मार के आओ, उसे भी इंसाफ नहीं मिला। सुबोध कुमार सिंह को भी इंसाफ नहीं मिला, पहलू खान को भी इंसाफ नहीं मिला। ये आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है? समझ रहे हैं इस बात को? अच्छे से समझिएगा, गुस्से में मत समझिएगा, कोई फायदा नहीं है दोस्तों। इसलिए आपका मीडिया जो है, मैं थोड़ा भटक के कह रहा हूं, कहना जरूरी है फिर मौका नहीं मिलेगा आपसे, आपका मीडिया अब आपसे बदला ले रहा है। जब तक आप अपने आप को अलर्ट नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं करेंगे,
ये मैं क्यों कहता हूं कि आप इन अखबारों को पढ़ना बंद कर दीजिए, इन चैनलों को देखना बंद कर दीजिए और पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दीजिए। ये मैं इसलिए इस उम्मीद में कहता हूं कि आप दबाव डालेंगे तभी मीडिया स्वतंत्र होगा, तभी मीडिया स्वतंत्र होगा। और एक बात जान लीजिएगा, मीडिया की स्वतंत्रता हम से अपनी नौकरी के लिए नहीं कह रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं। जब मीडिया नहीं होगा आप नहीं होंगे, क्योंकि आपकी आवाज नहीं होगी। आप चार दिन के लिए अपने कमरे में बंद कर लो, घर को बोलो नहीं, आप ये करके दिखा दो और फिर सोचना कि 46 दिन से कश्मीर के लोग कैसे रह रहे हैं। थैंक यू, प्लीज ट्रांसलेट ऑन दैट राउजिंग नोट। थैंक यू वेरी मच, बिकॉज वी रन आउट ऑफ